अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। अवश्य ही किसी ने षड्यंत्र करके जामवंत काका को फंसा दिया और काकी के साथ पूरा रीच प्रदेश उन्हें देशद्रोही समझ बैठा। लगता है कि वानरों और रीचों में शत्रुता कराना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था, किंतु कौन कर सकता है ऐसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनि सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। केसरी पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति वृक्ष प्रदेश में ही गया हो? नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अब समझ में आया कि प्रभु मेरे जीवन की गुत्थी सुलझाने के लिए वृक्ष प्रदेश में गए हैं। मेरा आपकी काकी से दूर रहना आपको दुखी करता है। अवश्य ही आप अपनी काकी को मिलने वृक्ष प्रदेश गए हैं। काकी, जामवंत काका बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है वो देशद्रोही नहीं हो सकते। मारुति, सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, परंतु एक समय था जब तुम्हारे काका और उनके भाई रीचपति दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। प्रातः होते ही दोनों गधा युद्ध का अभ्यास करते थे। जामवंत भैया, तुम हारने वाले हो, संभालो अपने आप को। नहीं रक्षपति, आज मैं नहीं हारूंगा, आज मैं तुम्हें हराऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब तुम संभलो नहीं तो हार जाओगे। भैया, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। ये ठीक नहीं है रक्षपति,
तुमने जानबूझकर गदा फेंका है। ये तो ठीक नहीं है। आज मैं जीतने वाला था। जामुन भैया, तुमने सच में आज हमें हरा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई रक्षपति, तुम हर दिन मुझे जिताने के लिए जानबूझकर हार जाते हो। एक दिन मैं तुम्हें अवश्य हराऊंगा। खा लीजिए और ये हर दिन का लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। मधुवंती जी, ये झगड़ा नहीं है, ये तो आपस का प्रेम है, और ये प्रेम सदा ऐसा ही बना रहेगा। आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, कभी सच में भी झगड़ा ना हो और ऐसे ही प्रसन्न रहे। तुम स्त्रियां तो व्यर्थ में ही चिंता करती रहती हूँ। आज हम तो प्रसन्न हैं ही, हमारी सारी प्रजा भी प्रसन्न है। हाँ भाभी, हमारे राज्य में सब सुख से हैं और समृद्ध भी, और शक्ति में भी हमारा राज्य किसी से कम नहीं है। और आज हमारे राज्य की ओर कोई दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। जामुन भैया, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपने राज्य की सीमा बढ़ानी चाहिए, आसपास के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लेना चाहिए। रक्षपति, ये अनुचित है। ईश्वर ने अगर हमें शक्ति दी है तो उसका प्रयोग हमें दूसरे की सहायता और मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। भैया, अच्छा राजा वही होता है जो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। इतिहास उसी राजा को याद रखता है जो अपने राज्य की पताका को दूर दूर तक फहराता है। किंतु रक्षपति, इसके लिए न जाने कितने निर्दोषों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, प्रजा को न जाने कितनी हानि उठानी पड़ेगी। ईश्वर ने हमें जितना दिया है वही पर्याप्त है। इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, आप एकाएक यहाँ? कोई विशेष कार्य है? हाँ महाराज, एक बुरा समाचार है। महाराज, वानरों ने हमारी सीमा में घुसकर उत्पात मचा रखा था। वो लूटपाट कर रहे थे और उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला। इसीलिए महाराज, हमने उन सभी वानरों को पकड़कर बंदी बना लिया है। वानर उत्पाती होते हैं, किंतु इनका साहस इतना बढ़ गया कि हमारी प्रजा को मारे। अब इनको दंड देना ही पड़ेगा। चलो। स्वामी, वानर तो उत्पाती होते हैं, परंतु वो रिछों को मारे, ये कैसे संभव हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ देवी, किंतु भय इस बात का है कि रक्षपति क्रोधी स्वभाव का है, और क्रोध कभी कभी विवेक को हर लेता है। हमें आशंका इस बात की है कि किसी दिन रक्षपति क्रोध में आकर कोई अनर्थ न कर बैठे। आ, 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 आ,
यही है वो दुष्ट वानर जिन्होंने राज्य में उत्पात मचा रखा है। सीमा पर रहने वाली प्रजा त्राही त्राही कर उठी है महाराज। नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हम पर दया करो, हमें मत मारो। नहीं महाराज, नहीं महाराज। तुम वानरों का इतना साहस हो गया कि तुम ऋषियों को मारने लगे। मंत्री, हमारा आदेश है कि इन वानरों को मृत्यु दंड दे दिया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई और वानर हमारे राज्य में घुसने का साहस न कर पाए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें मत मारिए महाराज। नहीं नहीं, हमें मत मारिए, हमें मत मारो। रुक जाओ, रुक जाओ। रक्षपति, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार इन वानरों से पूछो तो कि इनका दोष क्या है। इन्होंने सच में किसी को मारा भी है या नहीं? अगर इन्होंने मारा है तो इन्हें मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, अब ये अपने मुंह से क्यों कहेंगे कि इन्होंने किसी को मारा है? फिर भी सच्चाई की परख किए बिना कोई भी निर्णय लेना अनुचित है। वानरों, सत्य बताओ, क्यों तुम्हें बंदी बनाया गया है? क्या तुमने हमारी प्रजा के साथ लूटमार की है? नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्षमा कर दो। तो सत्य क्या है? महाराज, हम वानर तो आपकी सीमा के निकट एक वन में फल आदि तोड़ रहे थे, तभी आपके सैनिकों ने आकर हमें बंदी बना लिया महाराज। महाराज, कुछ दिन पहले हमारा वहाँ एक ऋषि मरा पाया गया था, उसे भी इन्होंने ही मारा होगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि उस ऋषि को इन्होंने ही मारा था? ये वानर तो हमारे राज्य सीमा से भी बाहर थे, किसी को मार भी नहीं रहे थे, फिर भी तुमने कहा कि ये वानर मार काट कर रहे थे। ऋषपति, अगर इन वानरों को आप मारने का दंड देंगे तो कल वानर भी वृक्षों को मारेंगे और फिर वानरों और वृक्षों में शत्रुता बढ़ती ही जाएगी। मंत्री जी, दंड देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी के प्रति किया गया अन्याय समस्याओं को और भी बढ़ा देती है। मैं अभी इसी समय इन वानरों को मुक्त करता हूं। जाओ, तुम लोग अपने प्रदेश में जाओ, जाओ, जाओ। महाराज, देख लीजिएगा, जामवंत जी की इन वानरों से मित्रता एक दिन राज्य के लिए संकट खड़ा कर देगी। ये सभी वानर राज्य की सीमा के आसपास मंडराते रहते हैं। यदि आज इन्हें दंड दे दिया जाता तो कोई भी हमारी सीमा के निकट आने का दुस्साहस नहीं करता महाराज। किंतु अब
अब तो निर्भीक होकर राज्य की सीमा के आसपास आते जाते रहेंगे। ये भी हो सकता है महाराज कि एक दिन हमारे राज्य पर आक्रमण करके आपके आपके सिंहासन को छीन ले। जब तक इन भाइयों में एकता रहेगी, जब तक ये प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक मुझे इस राज्य का सिंहासन नहीं मिल सकता। सबसे पहले मुझे इन दोनों भाइयों के प्रेम के बंधन को तोड़ना होगा, इन्हें किसी भी प्रकार एक दूसरे से अलग करना होगा, और वो एक दिन अवश्य आएगा, अवश्य। काकी, क्या वो वानर जीवित लौट पाए? वो वानर तो बच गए मारुति, किंतु मंत्री मन ही मन में तुम्हारे काका से बैर रखने लगा। उसने ऋषपति को इनके विरुद्ध उकसाना आरंभ किया और दोनों भाइयों के विचारों में मतभेद होते चले गए। किंतु काका तो उचित ही कह रहे थे कि प्रेम और सहृदयता ही प्राणी को महान बनाता है। मारुति, शक्ति के मत के समक्ष प्रेम और सहृदयता का कोई मोल नहीं होता। ऋषपति क्रोधी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी हैं, और मंत्री ने उनकी महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया, जिससे वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उतावले हो गए, और दोनों भाइयों का अपनापन और प्रेम ऋषपति की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया। जामवंत भैया, तुम्हारे प्रेम और भाईचारे के प्रवचन सुनते सुनते बहुत समय नष्ट कर दिया है हमने। शक्ति है हमारे पास, महाबली है हम, हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना ही चाहिए। रक्षपति, हमें अपने पड़ोसियों से मित्रता ही रखनी चाहिए। हमारा धर्म भी हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है। बस बहुत हो गई सत्य धर्म मेल जोल की बातें। इन सब बातों से आश्रम चलाए जाते हैं, राज्य नहीं। राजनीति में पहला पाठ पढ़ाया जाता है कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करे। इसीलिए अच्छा होगा भैया कि तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप ना करो। ये कैसी बातें कर रहे हो रक्षपति? ये अनुचित है। हिंसा से कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। अगर तुम किसी राज्य पर आक्रमण करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। और हमारे सैकड़ों निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। वीर जीने मरने की नहीं सोचते जामन भैया। हमें कायरता का पाठ बरतवाइए। हम राजा हैं, और जिस राजा का राज्य जितना विशाल होता है वो उतना ही महान राजा कहलाता है। किसी प्राणी के प्राण लेकर उसे कष्ट पहुंचाकर महान बनने में कहां की महानता है? मानवता, प्रेम और सहृदयता से ही प्राणी महान बनता है। भैया, हम राजा हैं
और राजकाज हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाएंगे। तो फिर ठीक है रक्षपति, यदि तुम यहाँ के राजा हो तो हम भी यहाँ के राजा के भाई हैं। आज हम भी ये वचन देते हैं कि जब तक यहाँ रहेंगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देंगे जिससे किसी भी प्राणी का कोई अहित हो। जामवंत, तुम इस राज्य में रहोगे तब इस आक्रमण को रोक पाओगे। मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति करूंगा कि तुम रीच प्रदेश में पैर रखने योग्य भी नहीं रहोगे। दोनों भाइयों को अलग भी तो करना है, नहीं तो कौन जाने कब तुम दोनों का प्रेम जाग उठे। मेरा मारुति अकेला ही रीचों के राज्य में है और वो तो वानरों को अपना परम शत्रु मानते हैं।